एक बार फिर से जी राजस्थान न्यूज की खबर का दमदार असर हुआ। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग भर्ती में जी राजस्थान न्यूज ने फर्जी मार्कशीट वाले अभ्यर्थियों का खुलासा किया था, जिसके बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने फर्जी वाड़ा करने वाले अभ्यर्थियों को आजीवन परीक्षा देने से रोक लगा दी। फर्जी डिग्री और फर्जी अभ्यर्थियों से घिरी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग भर्ती से ऐसे चालबाजों का सफाया हो रहा है जिन्होंने इस परीक्षा में गड़बड़ी करने की कोशिश की, लेकिन फर्जी डिग्री धारकों वाले चालबाजों की चालबाजी काम नहीं आई। उस समय जी राजस्थान न्यूज ने पूरा खुलासा किया था कि किस तरह से सरस्वती के मंदिर में शिक्षा का सौदा किया जा रहा। एनटीटी भर्ती में फर्जी डिग्रियां लेकर परीक्षा में बैठे अभ्यर्थियों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सख्त रुख अपनाया है। बोर्ड ने एनटीटी के 110 अभ्यर्थियों को किसी भी परीक्षा के लिए आजीवन रोक लगाएगा। इतना ही नहीं, अब इन अभ्यर्थियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए बोर्ड मुकदमा भी दर्ज करवाएगा। एनटीटी संघ के अध्यक्ष टीटू शर्मा का कहना है कि संघर्ष के बाद हमारे आंदोलन की जीत हुई और पात्र अभ्यर्थियों को मौका मिला है। नियमों के मुताबिक ऐसे अभ्यर्थियों को 3 से 7 साल तक की जेल हो सकती है। कार्रवाई प्रक्रियाधीन है और कुछ इसमें कार्रवाई होनी है। इस प्रकार के और भी अभ्यर्थी हैं, इसमें अनेकों भर्तियों में इस प्रकार की समस्याएं क्रिएट होती हैं। मैं उम्मीद करता हूं सरकार इस दिशा में बहुत कठोर निर्णय लेगी आगे भी, और ऐसे बेईमान लोगों को यदि जेल में डालना पड़े तो सरकार का निर्णय भी लेगी। प्रदेश में कुल 2754 अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त पात्र कॉलेजों से एनटीटी की डिग्री ले रखी थी, जबकि इनमें से करीब 1300 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी नौकरी लग चुकी है। यानी इनमें से केवल 1400 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके पास एनटीटी की डिग्री थी। इसके बाद एनटीटी की आखिरी भर्ती में केवल 1400 अभ्यर्थी ही परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते थे, क्योंकि उन्हीं के पास एनटीटी की डिग्री थी। लेकिन इस भर्ती के लिए 1400 नहीं बल्कि 24,268 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इस भर्ती में 22,868 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे, जिसमें से कई अभ्यर्थियों ने दलालों से फर्जी सर्टिफिकेट लेकर परीक्षा दी। एनटीटी भर्ती थी, उसमें काफी लोगों ने फर्जी तरीके से डिग्री लेकर के आवेदन किया था, और इस मुद्दे को हमने कई बार उठाया भी था, मीडिया के माध्यम उठाया इसको, सरकार से, जब मुख्यमंत्री साहब से, विभाग के मंत्री जी से हमें इस बारे में अवगत कराया, उसके बाद डिपार्टमेंट और बोर्ड हरकत में आकर के और इस पर कार्रवाई की। आज इससे लग रहा है कि जो पात्र व्यक्ति हैं उनको रोजगार का अवसर मिलेगा, और जो पात्र हैं जो गलत तरीके से डिग्री ले गए हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। जो हम लोगों ने संघर्ष किया था, उसका जो हम लोगों ने आंदोलन किए थे, जो संघर्ष किए थे, उसकी जीत निश्चित हो रही होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की इस कार्रवाई के बाद पात्र अभ्यर्थी को नौकरी मिलेगी, लेकिन ऐसे शिक्षा के सौदागरों पर कब कार्रवाई होगी जो खुलेआम फर्जी डिग्रियों का सौदा कर फर्जीवाड़े करते हैं, ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।